सिंधु नदी सिंधु नदी सिंधु नदी के बारे में आज देखते हैं। सिंधु नदियां जो हैं, यह नदियां चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। देखो सिंधु नदी जो है, यहां से हम इसको निकालते हैं, इस ओर से। ऐसे करके चलती है यह नदी, और ऐसे करके आती है, और यहाँ पर जो है यह गिर जाती है। चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर। यह जो नदियां है, सिंधु नदी, यह कहाँ से निकलती है? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील में। कहाँ से? मान चेमायुंगदुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है यह नदियां? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से निकलती है, निकलती है। अब यह स्थित कहाँ है? तो यह तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। यह तिब्बत में, ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं चीन। कहाँ पर से? तिब्बत में, यानी चीन से निकलती है। और यहाँ तिब्बत के पठार से, पहाड़ी से निकलने वाली यह नदियाँ भारत के जम्मू कश्मीर जिले से, जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है। और इस नदियों की जो है, इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां, पांच सहायक नदियां हैं। कितने हैं? पांच सहायक नदियां हैं। तो पांच सहायक नदियों में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, पांच सहायक नदियां कौन कौन सी। इसमें जो पानी बहता है ना, भारत में बहुत कम यह नदियां बहती हैं, भारत में बहुत कम नदियां बहती हैं। पाकिस्तान में जो है यह सबसे अधिक नदियां बहती हैं। कहाँ बहती हैं? पाकिस्तान में यह नदियां सबसे अधिक बहती हैं। हम देख लेते हैं भारत का नक्शा के मुताबिक जो कहाँ पर है यह नदियाँ। ये रहा, देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यह जो है यहाँ जम्मू कश्मीर है। यह नदियाँ यहाँ से तिब्बत से निकलती हैं और चीन से निकलती है। चीन से कहाँ निकलती? कहाँ से? चीन में, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से यह नदियाँ निकलती हैं। और उसके बाद यह नदियाँ जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तो उसके बाद यह जो क्षेत्र है, यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? यह पाकिस्तान का क्षेत्र है, यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जो है, यानी सिंधु नदी से निकलने वाली जो पानी है, सिंधु नदी का सबसे अधिक जो उपयोग, जल का उपयोग करता है, यह सबसे अधिक उपयोग कौन करता है? पाकिस्तान करता है। यह 1960 ईस्वी में पाकिस्तान से समझौता हुआ था। समझौता यह हुआ था कि इसमें जो है, इस नदी का पानी भारत कितना उपयोग करेगा और इसी नदी का पानी पाकिस्तान कितना उपयोग करेगा। तब उसमें
इस समझौता में बताया गया था कि भारत जो है सिंधु नदी से 20% पानी का उपयोग करेगा, और जबकि पाकिस्तान जो है इस नदी से 80% पानी का उपयोग करेगा। कितना करेगा? 80% पानी का उपयोग करेगा। नहीं नहीं, डूब कैसे जाएगा? 80% पानी, तो उस यही 1960 में जो यह समझौता हुआ था, ये प्रश्न पूछता है। इसके बारे में हमें याद रखना है कि सिंधु नदी समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, यह कब हुआ था? तो यह 1960 ईस्वी में हुआ था, और उसमें क्या कहा गया था कि इस नदी का पानी जो है 20% भारत यूज करेगा और 80% इसका कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से होकर यह पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर, अरब सागर में। यह नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ये जो है यह अरब सागर है, और इधर जो है सो बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे जो है सो हिंद महासागर, हिंद महासागर है। क्या है यहाँ पर? हिंद महासागर। नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो इस नदी का पानी का जो है 20% भारत उपयोग करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। नहीं, तो इसकी सबसे, इसकी पांच सहायक नदियां हैं। एक है, सबसे पहले जो नदियां है वह झेलम नदी है। जी। कौन सी नदी है? सबसे पहले जो कौन आए? झेलम नदी। झेलम नदी है। तो देखो झेलम नदी कहां से निकलती है? नहीं, इसकी पांच सहायक नदियां हैं। पांच सहायक नदियां कौन कौन है? तो एक है झेलम नदी, यहां लिख देते हैं पांच सहायक नदियां, झेलम नदी, झेलम नदी। और दूसरी सहायक नदियां क्या है इसकी? चिनाब नदी, चिनाब नदी। और तीसरा क्या है? सतलज नदी, रावी नदी, रावी, रावी नदी। तीसरा हुआ, चौथा क्या है? सतलज। और पांचवा? पांचवा जो इसकी सहायक नदी है, ब्यास नदी, ब्यास नदी। और पांचवा जो है यह सतलज नदी है, सतलज, सतलज नदी है। इस तरह से जो है, यानी कि सिंधु नदी की पांच सहायक नदियां कौन कौन है? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और हाँ, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। अब हम देखते हैं इन पांचों नदियों में नहीं कौन सी नदियां कहां से निकलती है नहीं, और यह कहां पर जाकर के सिंधु नदी से मिलती है। चुप रहो, कहां सिंधु नदी में कहां पर यह मिलती है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, यह जो नदी है झेलम नदी, यह झेलम नदी बैरी नाग या शेष नाग झील से निकलती है। कहां से? बैरी नाग या शेष, बैरी नाग या शेष नाग झील से निकलती है। हाँ, बैरी नाग या शेष नाग झील से, यानी कि यह जम्मू कश्मीर है नहीं, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर से निकलती है कौन सी नदी? झेलम नदी, झेलम नदी। यह कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर से निकलती है। और यह नदी जम्मू कश्मीर से जब निकलती है, जम्मू कश्मीर में, इधर देखो, जम्मू कश्मीर में कहां से निकलती है? बेरी नाग या शेष नाग झील से। यहां पर जो है, यहां पर जो है बेरी नाग, क्या है? बेरी नाग झील, बेरी नाग झील या शेष नाग झील। क्या होता है शेष नाग झील? जहां से पानी निकलती है, पानी वहीं से निकलती है, बर्फ बनता है कि नहीं? तो यहां पर क्या होती है, यानी कि यह नदी कहां से निकलती है? बेरी नाग झील से, झेलम नदी नहीं, यहां लिख देते, और यह धीरे धीरे आकर के यहां मिलती है, झेलम नदी। ये रहा, ये जब यह नदियां आगे चलती, जब चलती है, तो यह क्या करती है, यहां से एक
या एक आगे चलकर जो है बुलर झील से मिलती है। कौन सा झील से? बुलर झील से मिलती है। देखो बुलर झील ऐसे कर दे, ऐसे यहाँ पर आए, यहाँ कैसे बुलर झील देखिन तू बुलर बुलर झील ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ये सब जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर बुलर झील से जब निक मिलती है तो इस झील को जो है ना हम क्या कहते हैं, इसी झील को बुलर झील को जो है याद रखना है, मीठे पानी की झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीठा मीठे पानी की झील, मीठे पानी का झील, इसे क्या कहा जाता है? मीठे पानी का झील। किस झील को? बुलर झील। बुलर झील को जो है सो हम मीठे पानी का झील कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, इसलिए यदि प्रश्न में पूछता है कि मीठे पानी का झील किसको कहा जाता है? बुलर झील को। उसके बाद जब यह नदी आगे चलती है, जब यह नदी आगे चलती है तो एक दर्रा मिलता है यहाँ पर आकर के, या जम्मू कश्मीर में यह एक दर्रा मिलती है। इस दर्रा का नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला, जोजिला, जोजिला दर्रा। यहाँ पर ये रहा जोजिला दर्रा, देख रहे हैं? इस दर्रे का क्या नाम है? जोजिला दर्रा, समझ रहे हैं? इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। अब यह जोजिला दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है, श्रीनगर और कश्मीर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? श्रीनगर अलग अलग है, श्रीनगर हाँ अलग है, और हाँ अलग है, और कश्मीर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? श्रीनगर और कश्मीर को जोड़ती है। कौन सी नदियाँ? जोजिला दर्रा। कौन सी दर्रा? जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है? श्रीनगर और कश्मीर को जोड़ती है। यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर यह स्थित है? जम्मू कश्मीर में नहीं। अच्छा, बुलर झील को क्या कहा जाता है? अच्छा, यदि पूछा जाता है कि बुलर झील किस नदी पर है? झेलम नदी। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है न। और इस झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील, शेषनाग या बेरीनाग झील से। कहाँ से होता है? अब झेलम नदी में यदि प्रश्न पूछता है तो बस इतना ही, यही 5 प्रश्न 6 प्रश्न मिलता है इसे, बस इतना ही रहता है। और इस यह जो है आगे चलकर जो है यानी कि पाकिस्तान में चला जाता है, और पाकिस्तान में जाकर के यह सिंधु नदी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। और या फिर बहते सिंधु नदी फिर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये हो गया किस नदी के बारे में? झेलम नदी के, झेलम नदी के बारे में। अब हम आगे बताते हैं कि चिनाब नदी के बारे में। जरा इसको उतार लो।